नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों से। आईपीएल 2021 के रविवार को हुए मैच में पंजाब किंग्स की ओर से राहुल व मयंक द्वारा खेली गई बेहतरीन पारी पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन की 92 रन की पारी भारी पड़ी। धवन की धमाकेदार बल्लेबाजी के कारण दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का स्कोर टंगा दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की ये 3 मैचों में दूसरी जीत है। इस मैच के हीरो दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन रहे, जो अपना शतक पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को जीत का सहरा पहनवा दिया। शिखर धवन अपने शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि 92 रन के कुल स्कोर पर रिज डर्सन ने उन्हें चलता कर दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने आए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने तेज शुरुआत दिलाई। पृथ्वी शॉ ने पंजाब के बल्लेबाजों की बखिया तक उखेड़ के रख दी। हालांकि 17 गेंदों में 32 रन बनाने के बाद पृथ्वी शॉ को अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेज दिया। इससे पहले सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 69 रन और कप्तान लोकेश राहुल ने 61 रन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल के बीच पहले विकेट के लिए हुई 122 रनों की साझेदारी हुई थी। सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर वीवीएस लक्ष्मण ने माना कि चेपक में कठिन विकेट पर जब मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के खिलाफ बाउंड्री लगाना मुश्किल हो जाता है, तब उन्होंने बल्लेबाजी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। लक्ष्मण ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 या 2 रन लेने की कला बहुत अहम है, विशेषकर इस तरह की पिचों पर, क्योंकि यहाँ हिट करना आसान नहीं होता। आप सिर्फ बाउंड्री या छक्कों पर निर्भर नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा कि हर डॉट गेंदों के प्रतिशत को कम करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप स्ट्राइक रोटेट करके ही ऐसा कर सकते हो। यह खेल का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इस तरह के विकेटों पर काफी महत्वपूर्ण होता है। भारत की झीली बाला बेखड़ा ने रविवार को यहां एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 45 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिया। इसमें सिर्फ 2 ही भारोत्तोलकों को हिस्सा लिया गया था। जूनियर विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता झीली ने इस मैच में 69 किलोग्राम और इसके बाद क्लीन एवं जर्क में 88 किलोग्राम का वजन उठाया। वह गोल्ड स्तर की ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता में कुल 157 किलोग्राम वजन उठाकर तीनों वर्गों में पोडियम में शीर्ष स्थल पर पहुंच गई हैं। बता दें कि 45 किलोग्राम ओलंपिक वजन वर्ग नहीं है। ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई इंडियंस के अपने साथी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बुमराह डेट ओवर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। बोल्ट ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज के दमदार प्रदर्शन के बाद यह बात कही है। बता दें कि बुमराह ने शनिवार को हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 14 रन ही बनाए थे और 1 विकेट हासिल करने में सफल रहे थे। उनकी सधी हुई गेंदबाजी के बदौलत ही मुंबई टीम सनराइजर्स को 137 रन पर ऑल आउट करने में कामयाब हुई और 13 रन से मैच जीत लिया था। बोल्ट ने मैच के बाद कहा कि बुमराह ने जिस तरह गेंदबाजी की है उसे देखना शानदार रहा। यह बतौर गेंदबाजी उनके सबसे बड़ी ताकत रही। वह अपने 4 ओवर के मैच के दौरान गेम प्लान को लेकर बहुत ही स्पष्ट नजर आए।
खबरों में फिलहाल के बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।